टॉयलेट तो दिया गया है बट पानी नहीं है, सबका ताला बंद है। सब के पानी नहीं मिला, हम सबके पानी नहीं दिया। चिंता तो होती है क्योंकि आज के डेट में जो चल रही है झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। हमारे हमको रोक दिया गया, लाइन से हटा दिया गया हम लोग को। जय श्री राम। झारखंड स्टेट के लिए हमारे लिए यहाँ बस रोड का ही किया है, ठीक है, और ऐसा कोई उन्नति का काम तो देखते नहीं है, लेकिन गली गांव में जितना है ना रोड का अच्छा प्रबंध किया है और स्वच्छ भारत का टॉयलेट या अच्छा। हाँ, ये गांव में दिया गया है, लेकिन इसमें एक तो बात है टॉयलेट तो दिया गया है बट पानी नहीं है, सबका ताला बंद है। ड्रेन नहीं है खाली, वो तो ड्रम में भर देना तो बड़ी बात नहीं है, जब स्वच्छ करना है तो पानी का भी निकासी होना चाहिए। वो भर गई तो ताला बंद हो गया, तो शौचालय क्या चीज़ का हुआ। बात सही है, बिल्कुल सही है, करेगा क्या, तो उससे अच्छा तो ओपन नहीं था वो लोग। हम लोग के मांग है कि हम लोग का गरीबी क्षेत्र में हम लोग का एक छोटी मोटी हॉस्पिटल चाहिए, रेलवे का सुविधा दिया जाए, बस का किराया कम किया जाए, महंगाई को रोका जाए, और मैं विशेष आपसे नहीं कुछ बोलूँगा। गरीब आदमी के काम नहीं मिल रहा है कुछ। हाँ, ये तो है। हाँ, आदमी के कमाई कम है। हाँ, गरीब आदमी को उतना में पेट नहीं भर रहा है, शौचालय तो खाली लेटरिन बनाया आ चूल्हा चूल्हे नहीं मिल रहे हैं, और पानी तानी तो अभी मिलवे नहीं कहीं, सब के पानी नहीं मिला, हम सबके पानी नहीं दिए। हाँ, सब एक बराबर है भाजपा के नीति में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी यहाँ पे तो मॉब लिंचिंग के न्यूज़पेपर में बहुत खबर आती है। देखिए, बदमाश करता है, सरकार फंसती है, सरकार अपनी काम करती रहती है। बजरंग दल के काफी सारे बदमाश हैं। मैं खुद हूँ बजरंग दल के। हाँ, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक हूँ। हाँ, RSS एक पेड़ है और भी जितने हिंदू संगठन है सब उसकी टहनियाँ हैं। तो आपको अपने भविष्य के लिए थोड़ी चिंता होती है नौकरी? चिंता तो होती है क्योंकि आज के डेट में जो चल रही है झारखंड में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये आतिश कुमार सिंह। युवा का सपना सच कर रहे हैं मोदी सरकार? लगभग कर रहे हैं। जो लगभग छूट गया वो कौन सा है? शायद जो सोचे थे वो पूरा नहीं हो पा रहा, जैसे कि हर लेवल में जॉब मिलना चाहिए उस टाइप में मिल नहीं पा रहा। अगर मिले तो अच्छा है। हाँ, मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, खास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि देश का मतलब भविष्य ही युवा के हाथों में होता है, और जो कि लगभग मुमकिन हो रहा है, लेकिन पूरा जैसे बोला जाए कि 100% हो रहा है, 100% नहीं हो पा रहा है, तो यही उनसे उम्मीद रहेगी कि शायद 100% कर दे। सर्वधर्म समायने का हम लोग यहाँ में चलता है, सभी धर्म के लोग आए हैं, सभी झारखंड में और खास करके जमशेदपुर में, यहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर सभी पर्व त्यौहार को मनाते हैं। पहले हम लोगों को निकाब मतलब लगाए, इसलिए नहीं यहाँ जाने के लिए दिए गए, निकाब था इसलिए नहीं जाने के लिए। हाँ, रोका गया मैडम एक बार, क्यों हम लोग हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, हमारी कोई एहतराम नहीं है, हम नकाब पहने हुए हैं, इसलिए हमको मतलब आतंकवादी साबित किया जाता है, क्यों किया जाता है। हमारे हमको रोक दिया गया, लाइन से हटा दिया गया हम लोग को, समझे, हमारी भी उतनी ही इज्जत है जितनी आपकी है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के लिए आएगा उसको रोका गया, ये हमको बहुत दिल से तकलीफ हुई। हम मुसलमान हैं तो क्या हम नकाब पहने हैं तो क्या हम आतंकवादी हैं? आज आप ऐसा करते हैं तो मुस्लिम का उम्मीद क्यों रखते हैं, वोट का क्यों रखते हैं? आप जो बोलते हैं मुसलमान आज वोट नहीं देते, यही कारण है जो वोट नहीं देते हैं। हमको समाज में इज्जत नहीं मिलता है, आपको काम को इज्जत मिलता है, हमको क्यों पीछे कर दिया जाता है लाइन से? हमको पुलिस प्रशासन रोक देती है यहाँ आने के लिए। जी, हम तो चाह रहे थे मोदी जी के बगल में बैठे उनको हैंडशेक करें,
हमारा इतना ओहदा है, हम इतना पहुंच रखते, इतना हौसला मेरा बुलंद है, इसीलिए आज हम यहाँ किनारे बैठे हुए हैं। 10 बार चेकिंग करते हैं, रोकते हैं कि हमारी इज्जत नहीं है क्या, इसीलिए हम, मेरा नाम मेहरुन्निसा है।